हेलो, मीना अमरिफत है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। रही बात इंडिया की बात करते हैं। इंडिया फेमस किस लिए? इंडिया फेमस है यहाँ की डाइवर्स कल्चर के लिए। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और हमारे संविधान के हिसाब से हम सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। तो एक्चुअली इंडिया सबसे डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ का मेन टॉपिक रहता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, मेरे लिए तो भाई कि हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर है। रही बात यहाँ के कुछ लोगों की, जो बोलते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम में तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा आप अच्छी दोस्ती देखोगे ना तो हिंदू मुस्लिम की ही देखोगे। मेरे ज़्यादातर जो दोस्त है वो हिंदू हैं। मेरे माँ बाप जो हैं उन्होंने मुझे सिखाया है हर रिलीजन की आप रिस्पेक्ट करो। और ये मैं कहूँगी कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है हिंदू मुस्लिम की, आजकल मैं बता रही हूँ, ये 14 जो 18 एज ग्रुप के लोग हैं उनके अंदर ज़्यादातर मैंने देखा। तो ये जो इस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करना ईजी होता है। उनके माँ बाप उनके सामने ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं वो भी ऐसा सोचने लगते हैं। तो मेरी जो ये अपील है वो माँ बाप से है कि वो प्लीज़ ऐसी बातें या अपनी सोच बदलें और ऐसी बातें बच्चों के सामने मत करें, क्योंकि फिर वो जनरेशन टू जनरेशन ऐसी सोच को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। अगर आपको यही करना, आप सबसे पहले किसी इंसान को जानो, फिर उसके बारे में कोई राय बना कर रखो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं दोनों से ये कहना चाहती हूँ, पहले से अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट मत लगाओ कि हाँ इनके ये ऐसे रहते हैं, ये वैसे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले उनको जानो, फिर उनके बारे में राय बनाओ। ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना गीता में लिखा है कि ये गलत है ये गलत है। ठीक है, रिलीजन कभी गलत नहीं सिखाता है, इंसान गलत होता है। तो पहले आप अपनी सोच को ठीक करो, फिर जाके आप रिलीजन पे बोलो। रिलीजन कभी भी गलत नहीं सिखाएगा कि उसको इसके साथ ऐसा कर दो, उसके साथ ऐसा कर दो। धर्म किसी को लड़ना नहीं सिखाता है। धर्म तो एक दूसरे को प्रेम करना सिखाता है और सहयोग सिखाता है, सामाजिकता सिखाता है। जिस प्रकार से एक बगीचा होता है, उस बगीचे के अंतर्गत अनेक प्रकार के फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, और उन अनेक प्रकार की वनस्पतियों से ही उस बगीचे की जो है शोभा बनती है। यही हमारे देश की प्राचीन काल से शोभा है कि अनेकता में एकता।